Hey, तो WhatsApp guys, welcome back to another video of CodeBeat YouTube channel. और friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने Flutter app में से files को upload कर सकते हैं अपने Firebase के storage वाले database में. तो यहाँ पर आपको live demo उस app का दिख रहा है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि आप end तक आप किस तरीके का app बना लेंगे. तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल और एक अपलोड फाइल करने का बटन मिलेगा, और जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो परमिशन देनी पड़ेगी फाइल्स को सिलेक्ट करने की. जैसे ही आप यहाँ पर अलाउ करेंगे तो फाइल मैनेजर आपको ओपन हो जाएगा. यहाँ से आप कोई भी सी भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी. जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ. ये मैंने सिलेक्ट कर ली, देखो यहाँ पर उस इमेज का नाम आ गया unnamed.jpg. एंड जैसे ही मैं यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करूँगा तो देखो मुझे यहाँ पर परसेंटेज बता रहा है कि भाई कितना अपलोड हुआ है, और देखो 100% हो गया, मतलब कंप्लीट अपलोड हो चुकी है. तो यहाँ पर मैं मेरे Firebase में जाकर बताता हूँ कि किस तरीके से मेरे इमेज यहाँ पर प्रॉपरली आ गई है या नहीं. तो यहाँ पर मैं स्टोरेज के अंदर हूँ, और देखो फाइल सेक्शन के अंदर मुझे जो है वो मेरी एक unnamed.jpg जो कि अभी देखो आप देख सकते हो जून 16 आज की डेट में अपलोड हुई है, और यही सेम इमेज मैंने अपलोड करी है 8:47 पे, और कंप्यूटर में भी आप टाइम दे दीजिए 8:47 ही है. और साथ ही में आपको इसकी एक लिंक में मिल जाएगी डाउनलोड करने की. आप कंसोल में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल रही है. आप जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं. आप इस लिंक को अपने ऐप पर भी यूज़ कर सकते हैं खुद. तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो ये मेरी इमेज कोड विद्रोह की देखने को मिल जाएगी. तो कुछ इस तरीके का ऐप आप आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली बना लेंगे. तो आप वीडियो को आगे देखते रहिए, और एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट. तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, यार यहाँ पर आपने देख तो लिया ही है कि किस तरीके से हमारा ऐप काम करता है. तो मैंने यहाँ पर क्या करा है कि एक नया Flutter का प्रोजेक्ट बना लिया है, और उसमें जो है वो जो आपकी मेन डॉट डार्ट रहती है उसको थोड़ी साफ सफाई करके और थोड़ा सा उसमें कलर वलर चेंज करके अपलोड टाइम फॉर Flutter टू Firebase और हेलो वर्ल्ड लिख के कुछ इस तरीके से एक सेटअप कंप्लीट तैयार कर लिया है. छोटा सा कुछ भी नहीं है, बस एक Firebase का एक डेमो प्रोजेक्ट है. तो सबसे पहले स्टेप तो आपको क्या करनी होती है कि आपको अपने इस ऐप को अपने Firebase के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है. उसके लिए आप Firebase की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अपने ईमेल से साइन इन करें, एंड देन फिर यहां पर ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करें. आपको ये दो ये जो तीन प्रोजेक्ट ये नहीं दिखेंगे, बट मेरे इसमें दिख रहा है. आपको ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है सिंपल. देन आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है. लेट सपोज मैं इसका नाम डालता हूँ फाइल पिकर यूट्यूब. ठीक है, फाइल पिकर यूट्यूब कुछ इस तरीके से, एंड देन कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है. इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए और अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है. तो आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर Firebase को सिलेक्ट कर लें एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दें. देन थोड़ी देर तक के लिए वेट करें तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा, और फिर आपको अपने ऐप को अपने Firebase के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगा. आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं. एकदम कंप्लीट ट्यूटोरियल है और स्टेप बाय स्टेप है. अगर आपको ये जानना है कि भाई गूगल साइन इन किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं. वहाँ पर आपको यू सेट वी मेड सीरीज मिलेगी. वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, आप अपने Flutter के ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो उस चीज़ को. तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है. अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँगा. अब यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में आपको यहाँ पर एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है, एंड एंड्रॉयड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें डालनी है. सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या डालनी है, मैं इसको साइड में रख लेता हूँ और इसको साइड में रखते हुए काम चलाता हूँ. सबसे पहली चीज़ आपको क्या डालनी है, एंड्रॉयड का पैकेज का नेम. उसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आना है. इसके अंदर आपको एंड्रॉयड के अंदर आना है ना. इसके अंदर आपको ऐप के अंदर आना है, और इसके अंदर आपको build.gradle के अंदर आना है. यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी मिलेगी. आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन नंबर 32 में आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी. उसको आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद में उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें. देन उसके बाद में आप अपने एंड्रॉयड के कुछ ऐप को कुछ निकनेम डाल सकते हैं. लेट सपोज मैं इसका नाम डाल देता हूँ फाइल पिकर. ओके, और देन इसके बाद में आपको रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देना है, और रजिस्टर ऐप पर क्लिक करते ही आपका ऐप जो है वो रजिस्टर हो जाएगा आपके Firebase में. और इसके बाद में आपको कुछ दो चार कॉन्फिगर चीज़ें करनी पड़ेगी. तो उससे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपको build.gradle में एरर मिल रहे हैं, आपको एक ये प्रॉपर्टीज़ वाला एरर मिल रहा है, और एक ये ग्रेडल एक्सेप्शन नाम का एरर मिल रहा है. तो ये प्रॉपर्टीज़ वाले एरर को हटाने के लिए आपको फाइल में जाना है. वैसे ये प्रॉपर्टीज़ वाला एरर सबके इसमें नहीं आएगा, बट अगर किसी के इसमें आता है तो आपको फाइल में जाना है.
प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना है एंड देन इसके बाद में यहाँ पर नो SDK सिलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड API और जो भी इसके आगे चीज़ है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको मॉड्यूल्स में जाना है और मॉड्यूल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट SDK के बजाय एंड्रॉयड API और जो भी कुछ लिखा है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन सिंपल आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ वाला जो एरर है जो है दिखा रहा है कि भाई प्रॉपर्टीज़ नाम की कुछ क्लास डिफाइंड नहीं है, तो वो रिजॉल्व कर देगा। बट बचा है ग्रेडल एक्सेप्शन वाला एरर, तो इसको ग्रेडल एक्सेप्शन को आपको रिप्लेस कर देना है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन से, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन से ये कर देना है आपको। एंड देन इसके बाद में आपको ये काम होने के बाद में आपको इधर अपने फायरबेस में आ जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओ सॉरी, नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले हमें हमारी जो JSON फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड googleservices.json को पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरी यहाँ पर JSON फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद में आपको इसको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करना है, तो उसके लिए आप डाउनलोड फोल्डर में जाएं और आपके इसमें ऑब्वियसली बात है google services4 नहीं लिखा हुआ आया होगा, क्योंकि मेरे इसमें काफ़ी सारी google services JSON फाइल है, तो मेरे इसमें 4 लिखा हुआ आ रहा है, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में आ रहा हूँ। अब उसको आपको कहाँ पर पेस्ट करना है, तो इसको आपको अपने ऐप की डायरेक्टरी में पेस्ट करना है, अपने ऐप की डायरेक्टरी में पेस्ट करना है। तो आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एंड मैंने रीफैक्टर पर इसको क्लिक कर दिया। अब मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल सर्विसेज पर, रीफैक्टर पर जाऊँगा, रीनेम पर जाऊँगा और इसमें से जो पीछे 4 है इसको मैं हटा दूंगा और सिर्फ गूगल सर्विसेज रहने दूंगा। ये काम होने के बाद में अब अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर को क्लोज कर दो एंड देन अब आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करने को बोलेगा, जैसे कि आपको प्रोजेक्ट में बिल्ड और ग्रेडर मिलेगा। तो आप क्या करो, एंड्रॉयड को पूरा कोलैप्स वापस कर दो, देन एंड्रॉयड को वापस खोलो तो आपको यहाँ पर एक बिल्ड और ग्रेडर मिलेगा, इसको आप क्लिक करो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि गूगल्स मावेंट रिपोजिटरी है कि नहीं, मतलब कि आपके यहाँ पर ऊपर गूगल लिखा हुआ है कि नहीं। मेरे इसमें है, आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपके इसमें है कि नहीं। नहीं है तो आपको ऐड करना है और देन इसके बाद में आपको डिपेंडेंसीज में एक लाइन ऐड करनी है, तो इस लाइन को आप कॉपी कर लो एंड कॉपी करने के बाद में आप क्लास पाथ के नीचे ही इसको पेस्ट कर दो। ये पेस्ट होने के बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर चेक करना है कि गूगल्स मावेंट रिपोजिटरी है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मेरे इसमें गूगल लिखा है, मतलब कि रिपोजिटरी मेरे इसमें ऐड है। ये करने के बाद में आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके जो एंड्रॉयड के लैंग्वेज है, एंड्रॉयड की लैंग्वेज है, वो जावा है या कोटलिन। ये जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो फ्लटर का, तब आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज आप रखना चाहते हो एंड्रॉयड में। तो मैं यहाँ पर मेरी जो ऐप की लैंग्वेज है वो जावा है, तो मैं जावा पर क्लिक कर रहा हूँ। और अगर आपकी कोटलिन है तो आपको कोटलिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जावा को सिलेक्ट करते हुए, अब आपको ये चीज़ें कहाँ पर ऐड करना है, तो आप एंड्रॉयड को वापस से कोलैप्स करो, एंड्रॉयड को ओपन करो, ऐप में जाओ और यहाँ पर आपको एक बिल्ड और ग्रेडर मिलेगी, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, लाइन नंबर 25 के नीचे आपको एक कॉपी करना है apply.google.gms.google services और उसके नीचे इसको पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद में आपको डिपेंडेंसीज की नाम की एक चीज़ मिलेगी और सबसे नीचे, और अगर नहीं मिलती आपको तो आपको सिंपल ये डिपेंडेंसीज कंप्लीट कॉपी कर लेना है। सिंपल मैंने कंप्लीट कॉपी कर ली और उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म और सब चीज़ को सेम रहने दे रहा हूँ और आपको डिपेंडेंसीज को ऐड कर देना है। अगर हो सकता है आपके इसमें डिपेंडेंसीज पहले से ऐड हो तो आप वो देख लेना। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर मिनिमम SDK वर्जन है इसको 16 से हटा के 19 से कुछ भी ऊपर रखना है, मैं यहाँ पर 19 दे रख रहा हूँ। एंड इसके बाद में आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना है, आपको यहाँ पर लिखना है मल्टी डेक्स इनेबल्ड ट्रू कर देना है आपको। ये करने के बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक इम्प्लीमेंटेशन और जोड़ना है, आपको यहाँ पर लिखना है implementation.com.android.multitext और मैं आपको बताता हूँ ये multitext क्या चीज़ होती है। तो आप अगर गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे कि multitext इन एंड्रॉयड, तो ये क्या करती है, फाइल से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें दिखाती है। आपको यहाँ पर गूगल पर दिख रहा है कि how to enable multitext आ रहा है और multitext support Android 5.0 and higher uses a runtime called ART which natively support loading multitext files। तो ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि multitext को किस तरीके से आपको enable करना है। तो अगर आप अभी भी अटकते हैं तो आपको चेक कर लेना है। देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि किस तरीके से आप multitext को enable कर सकते हैं। तो मैं इस multitext की implementation को कॉपी कर रहा हूँ, मुझे इसका नाम प्रॉपर याद नहीं था इसलिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो जब भी आप फाइल से रिलेटेड कुछ जनरेट करते हो तो आपको multitext चाहिए होता है। ये होने के बाद में यहाँ पर हमें वापस हम रजिस्टर ऐप में आ गए, तो मैं यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ
एंड नीचे जाकर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको, एंड सिंपल आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक कर देना है। बट यहाँ पर अभी आपके ऐप में ये जितने भी आपने बिल्ड और ग्रेडल में चेंजेस किए हैं इसको सेव करवाने के लिए, इसको जो है वो इंप्लीमेंट में लाने के लिए, आपको यहाँ पर अपने ऐप को कम्प्लीटली स्टॉप कर देना है एंड ऐप को वापस से यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तब तक आप यहाँ पर कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी आपके ऐप में। तो यहाँ पर आप अपने ऐप को देख सकते हैं, आप अपने ऐप पर क्लिक करें, सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट GCP रिसोर्स लोकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप हो सके तो एशिया सिलेक्ट करें अगर आप इंडिया में रहते हैं तो, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। सो एशिया साउथ ईस्ट अगर आपको यहाँ पर मिले तो एशिया साउथ ईस्ट टू, इसका मतलब ये मुंबई होता है आई थिंक, मुझे तब का पता नहीं है बट साउथ ईस्ट आई थिंक मुंबई होता है। आप सर्च कर लीजिए कि मुंबई क्लाउड रिसोर्स लोकेशन क्या होती है और वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, वैसे इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ये डन करा लीजिए और आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट करा लीजिए। सर्वर की लोकेशन होती है ये, मतलब कि आप अपने सर्वर की लोकेशन कहाँ रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं बट अगर इंडिया में ही हो, अगर आप पास में ही रखें तो लोडिंग और मतलब फास्ट होता है, वैसे बात है पास में रहेगा तो ज़्यादा फास्ट होगा। ये जब तक हो रहा है तब तक हम हमारे ऐप को देखते हैं कि हमारा ऐप रन हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो रहा है बिना किसी एरर के। अगर आपका ऐप रन होता है इसका मतलब कि आपने जितनी भी चीज़ें सब करी है वो एकदम से ही स्टार्ट करी है, बिल्कुल भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ एंड यहाँ पर देखो ये लोकेशन सेट हो चुकी है एंड देन इसके बाद में आपको एक और चीज़ करना है, यहाँ पर आपको सपोर्ट ईमेल में अपना ईमेल कॉन्फ़िगर कर देना है। आप अपना ईमेल सिंपल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको ये करना ज़रूरी होता है वरना आपका ऐप आपके फायरबेस से कनेक्ट नहीं हो पाता। ये आपका सपोर्ट ईमेल भी सिलेक्ट हो गया। फिंगरप्रिंट ऐड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तब कराना पड़ता है जब आप ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ काम कराते हैं, बट अभी के फिलहाल कंडीशन में हम ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम नहीं करा रहे हैं, हम सिंपल स्टोरेज से रिलेटेड काम करा रहे हैं। तब अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है, इसको आप करके और इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है स्टोरेज का, आप स्टोरेज पर जाओ और यहाँ पर आपको एक परमिशन जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं मेरे स्टोरेज के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर ये जो है वो आपका ऐप इस तरह की समझ लीजिए कि आपका जैसे कंप्यूटर में रहता है ना, जहाँ पर आप फाइल्स फोल्डर सारी चीज़ें रहती है वो सब आपका यहाँ पर आएगा और यहाँ पर से आप डायरेक्टली भी अपलोड फाइल कर सकते हैं बट हम इसे अपना रहे ऐप के थ्रू करवाएंगे। बाकी आप यहाँ पर रूल्स में जाइए और आपको यहाँ पर अपने रूल्स अपडेट करने पड़ेंगे। आप क्या देंगे कि भाई कोई भी बिना किसी ऑथेंटिकेशन के मेरे एप्लीकेशन में फाइल्स को अपलोड कर सकता है, मतलब मेरे फायरबेस की स्टोरेज में फाइल्स को अपलोड कर सकता है। बट ऑब्वियस सी बात है जब आप इसे प्रोडक्शन में डालेंगे तो आप ऐसा नहीं चाहते कि भाई कोई भी मेरे इसमें अपलोड कर दे बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के। तो प्रोडक्शन में आपको ये चीज़ करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, बट फिलहाल के लिए अब हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, हम इसको डेवलपमेंट में कर रहे हैं इसलिए मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल दे रहा हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ पर ट्रू कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर अलाउ रीड एंड राइट इफ़ और ट्रू कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना है एंड पब्लिश पर क्लिक करने के बाद में अब आपके स्टोरेज वाले में कोई भी बिना ऑथेंटिकेशन के फाइल्स अपलोड कर सकता है। रूल्स अपडेट हो चुके हैं, अब हमारे ऐप को देख लेते हैं। तो हमारा ऐप देखो, मेरा ऐप एकदम बिल्कुल बिना किसी एरर के चल गया, मतलब मैंने सारे जितने भी प्रोसेस करी थी एकदम सही है। अगर आपको कुछ एरर आता है तो आप वापस से वीडियो को पीछे जाकर देखो और देखो अगर आपने कोई मिस्टेक करी है या नहीं। तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब हमें जो है यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेरी मेन डॉट डार्ट में और यहाँ पर मैं दो बटन बना देता हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ पर हेलो को रिप्लेस कर दूंगा एक सेंटर विजिट से, तो मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहा हूँ एक सेंटर विजिट से। इस सेंटर विजिट का मैं दूंगा एक चाइल्ड और इस चाइल्ड का मैं दूंगा एक कॉलम। इस चाइल्ड में क्या दूँ रहा हूँ, एक कॉलम नहीं मेरे भाई, कॉलम। और इस कॉलम में दूंगा मैं एक चिल्ड्रन में दूंगा एलिवेटेड बटन, मैंने यहाँ पर लिखा एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ट पर अभी हम रखेंगे खाली। एंड चाइल्ड में मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट रख देता हूँ, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ भाई टेक्स्ट एंड इसके अंदर मैं रख रहा हूँ सिलेक्ट फाइल्स। एक मैं सिलेक्ट फाइल वाला बटन बनाऊंगा और एक मैं अपलोड फाइल वाला बटन बनाऊंगा। आप चाहें तो दोनों को एक ही में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट होने के बाद में डायरेक्टली अपलोड, बट दोनों अलग अलग रहेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो समझाने के पर्पज़ से मैं आपको यहाँ पर अलग अलग बटन बना रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पर टेक्स्ट और इसका नाम मैं रख रहा हूँ अपलोड फाइल्स, ठीक है। ये काम होने के बाद में मेरे ऐप को कर देता हूँ एक बार हॉट रीस्टार्ट और देखते हैं कि हमारे दोनों बटन आ गए हैं या नहीं। दोनों बटन आए तो हैं बट दोनों बटन ऊपर आ गए हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर मेन एक्सिस अलाइनमेंट लगाना चाहता हूँ। मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर में कर दूंगा, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर एंड इसको मैं कर दूंगा हॉट रीलोड। तो अब ये दोनों हमारे बटन यहाँ पर आ गए। अब इन दोनों बटन को क्लिक होने पर दो फंक्शन रन होने चाहिए, एक तो सिलेक्ट फाइल का
ठीक है, जहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट कर सकें, एंड एक होना चाहिए आपका अपलोड फाइल का, ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपलोड फाइल का, तो दो आपके यहाँ पर फंक्शन बने होने चाहिए। तो चलो दो फंक्शन हम बनाना स्टार्ट करते हैं।